घर दे विच एक बुजुर्ग जिहड़े हैं दयालपुर पिंड चे बलवंत सिंह जी उन्हां दी डेड बॉडी मिली है। बलवंत सिंह जी कले रहिंदे सी शायद यही वास्ते ना उन्होंने अपनी डिफेंस वास्ते ही घर में ना उन्होंने भी अपना एक दातर दूतर रखे हुआ सी। उन्होंने वही दातर कट के इन्होंने वो बलवंत सिंह जी के पैर से मारे और वही उन्होंने सर से मारे। एक अपनी बलवंत सिंह जी बुजुर्ग हैं वेरी वेरी एजेड एंड उन्होंने पिंड में यही मतलब लोगों को पता था कि बेसिकली ब्याज में पैसे देते हैं फाइनेंसर और यही काम मर्डर करना किसी को थ्रेट करना एक्सटॉर्शन करना इधर यही काम सो इन्हें मिति 30 तारीख नू इस मंथ जिहड़ा हैगा अपना बीता उहदे विच रात में सानू इनफॉर्मेशन आई कि जी एक घर दे विच एक बुजुर्ग जिहड़े हैं दयालपुर पिंड चे बलवंत सिंह जी उन्हां दी डेड बॉडी मिली है। मौके पे पहुंच के पुलिस ने जदों पूरा का पूरा मुलायजा किया तो इदां लग्या जैसे इन्हां दा मर्डर होया है। फिर उहदे बाद असीं सारी इहदे विच असीं सारा जो एविडेंस जो सानू मिले मौके ते या आस पास जिहड़ा असीं सारा कुछ सीसीटीवी चैक करदे बाद सानू ए विदिन 24 आवर्स पुलिस ने बड़ी मेहनत नाल ए मर्डर ट्रेस कर लिता गया। बेसिकली इहदे विच ना दो बंदे इनवॉल्व हैंगे, एक है साहिल और दूजा है मिंटू। ये दोनों ही क्रिमिनल बंदे हैं और उत्थे पिंड जिहड़ा दयालपुर है उत्थे अपना छोटा एक गैंग चला रहे सी। इन्हां दे बाकी भी मैंबरान हैं, 3 होर मैंबर है गैंग दे, टोटल 5 बंदिया दा गैंग है। उस रात पहले ये जिहड़े इन सब ने मिलके एक प्लानिंग की कि एक जिहड़ा NRI दा घर बंद सी उत्थे जाके ये सिलेंडरां दी चोरी करांगे। सो ये उसी नीयत दे नाल ओ 3 बंदे जिहड़े हैं इन्हां दे गैंग मैंबरस वो उत्थे गए। उत्थे जाके उन्होंने ढूंढा जो भी किया उन्होंने बहुत ज़्यादा उहदे विच ना तरक्की नहीं मिली। फिर इमीजिएटली उन्होंने प्लानिंग कर ली कि जिहड़े ये बुजुर्ग हैं बलवंत सिंह जी जिन्होंने साहिल पहले तो ही जानता सी ओ उन्होंने को शायद इन्हों पैसे मिल सकते हैं तो उन्होंने घर चोरी दी नीयत नाल ये बढ़ गए। दोनों उत्थे बलवंत सिंह जी जिहड़े हैं वो बेसिकली फाइनेंसर हैं और बुजुर्ग बंदे हैं वो ब्याज से पैसे देंदे हैं पिंड के जिहड़े बंदे हैं उन्होंने 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 कोल एक दातर वो अपनी शायद सुरक्षा वास्ते रखा होगा। इन्होंने उन्होंने दातर तो ही ना उनके पैरों में और सर में वार करके उन्होंने ब्रूटली वेरी ब्रूटली उन्होंने कतल करता और कतल के बाद ये फरार हो गए। और ये फरार और इन्होंने बाकी 3 मैंबर हैं वो भी फरार हो गए। फिर असी बाकी जिहड़ा सानू जो मौके पर सरकमस्टैशियल एविडेंस और आस पास चैक करन के बाद सानू विदिन 24 आवर्स असी इन्हों फड़ लिया है। इनके सारे गैंग मैंबर्स हैं सारे राउंड अप कर लिते गए हैं। साहिल जड़ा है वो बलवंत सिंह जी नू पहले तो जानता सी। 2021 दे विच ए उना दे घर ना किराए ते रहंदे सी। बलवंत सिंह जी के घर में एक कुड़ी रहंदी सी किराए ते, ए उहदे नाल रिलेशन सी, ए उत्थे ही आंदा जांदा रहा सी। बाद च जब बलवंत सिंह जी नू इना दी जड़ी जो इन ठीक नहीं लग्या तो कुड़ी नू उन्होंने 2021 च बाहर कढ़ता। ये बंदा बहुत तरह के क्राइम्स दे विच इनवॉल्व हैगा। ये छोटे छोटे उत्थे गैंग चलांदा है, एक्सटॉर्शन है, धमकियां पुलिस दे नाल भी कई बारी हमला किया है। ये उपर 300 चार्ज दे असाध दे पर्चे भी दर्ज हैं। इस करके इनू ये पूरा पता सी कि जिहड़े अपने बलवंत सिंह जी हैं ये कल्ले रहिंदे हैं घर और इन्हां दे कोल शायद पैसा भी हो सकता है। इन्हां नू लुट्टन दी नीयत नाल इन्होंने ये दोनों घर बड़े हैं और घर जाके इन्हां दा बहुत ब्रूटली मर्डर किया है। नीयत नाल फिर जाके मर्डर करता ओदा वखरा केस दर्ज किया हुआ है FIR नंबर 170। इन्हां दे कोल ना एक अपना दातर बरामद होया है जिहड़ा लोहा लोहे दा
है ना, ओ दातर बरामद होया है और एक संगल सबल ओ बरामद हुई है। मैम एक छोटा जहा इनपुट हो चाहिए जी, एक बॉडी मिली है फिर रामगढ़ के कोलपुर इच पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक पहुंची है। दैट मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम के बाद सानू क्लियर हो जाऊगा कि ओदे हालात हैं एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।